गोरखपुर में 17 व 18 फरवरी को 47 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि जनपद में 17 व 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा 47 केंद्रों पर आयोजित हो रही है और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगा दिया गया है, जिसकी जिले स्तर के साथ प्रदेश स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर की एरिया में कोई भी गार्जियन या कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जिससे कि परीक्षा बाधित ना हो। उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, इसलिए मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और चेकिंग करवाकर समय से एंट्री कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं और भारी मात्रा में पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। यदि आपको किसी तरह की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। मुझे उम्मीद है कि यह परीक्षा सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, वो कुल 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 47 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। उन सभी केंद्रों पर पुलिस के स्टैटिक मजिस्ट्रेट के विभिन्न प्रकार की जो ड्यूटियाँ हैं वो लगा दी गई हैं। सभी केंद्र हैं वो सीसीटीवी से आच्छादित हैं। 200 मीटर की परिधि में कोई भी उनके कोई पेरेंट्स या कोई वो इस तरह के लोग नहीं रहेंगे, जिससे कि परीक्षा बाधित हो। लोग परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे, तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि वो परीक्षा स्थल पर एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुँचें और अपना फ्रिस्किंग और चेकिंग करवाने के बाद समय रहते एंट्री करें। आधे घंटे परीक्षा से पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे और गेट बंद होने के बाद किसी को किसी प्रकार की एंट्री नहीं मिलेगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे, उसके लिए ट्रैफिक की भी ड्यूटियाँ लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर भी की भी किसी प्रकार की परेशानी ना आए, उसके लिए भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। किसी प्रकार की भ्रामक सूचना पर विश्वास ना करें, ध्यान ना दें, किसी अफवाह पर विश्वास ना करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप तुरंत हमारे CUG नंबर या किसी भी पुलिसकर्मी हैं उसके पास हम उसको ज़रूर बताएँ। इस तरह की सूचना पर तुरंत अमल किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये परीक्षा है वो पूरे जनपद के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए अच्छे से सफल होगी और हम सब लोग के लिए जो एक जो चैलेंज है वो बिना किसी समस्या के संपूर्ण होगा। सभी 47 जो सेंटर हैं उन सब पे 47 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सभी पे जो सेंटर्स हैं उन पे सब इंस्पेक्टर CO और उड़न दस्ते की भी टीमें हैं। 4 उड़न दस्ते की टीमें जो CO के नेतृत्व में बनाई गई है, तो वो सभी लोगों की ड्यूटी ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। सभी जगह CCTVs हैं, ऑलरेडी वेरीफाई कराए जा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी जो है जिम्मेवारी है वो गोरखपुर पुलिस की होगी और विल ट्राई आर बेस्ट।